आपके कर्मचारी आपके टीम के योग्य है या नहीं यह सुनिश्चित करें। इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त दिल्ली महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे एम्प्लॉयज रहते हैं। हो सकता है कि आपके पास में 5 होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे एम्प्लॉयज, और वो जब तक एक टीम जैसा काम नहीं करते तब तक आपकी ग्रोथ होना कठिन है, आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। आपको यदि ग्रो करना है तो आपकी टीम बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, और टीम के कर्मचारी जो है स्टाफ पूरा वो भी पावरफुली काम करते, उनको आना चाहिए और वो तैयार होना चाहिए। उनका कॉम्पिटेंस और उनका कमिटमेंट बहुत ही जबरदस्त होना जरूरी है। कॉम्पिटेंस मतलब कौशल्य जो है, कौशल्य कॉम्पिटेंस कि उनके पास में कौशल्य है, क्षमता है, और दूसरा है कमिटमेंट मतलब वचनबद्ध है या समर्पित है या वो प्रतिबद्ध है। तो देखो, 4 प्रकार के एम्प्लॉय होते हैं मेनली। एक है कि जो आदमी प्रॉब्लम एम्प्लॉय है वो पहले क्वाड्रेंट में आता है। अब ये प्रॉब्लम एम्प्लॉय जो है ये इसको पहचानना बहुत ही आसान है। इसका कमिटमेंट एकदम ही कम रहता है, मतलब उसका समर्पण बिल्कुल रहता नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं, वचनबद्धता नहीं है। उसकी क्षमता भी कम है, उसका कौशल्य भी कम है। तो ऐसा कम कौशल्य वाला और कम क्षमता है और कम समर्पण है ऐसा एम्प्लॉय जो है उसको तुरंत रवाना कर देना चाहिए कंपनी से। और ये कर्मचारी ढूंढना देखना बहुत आसान है, जल्दी मालूम पड़ता है कि ये कुछ काम का एम्प्लॉय नहीं है। तो ये एम्प्लॉय जो है ये प्रॉब्लम एम्प्लॉय। फिर दूसरा जो एम्प्लॉय है जो चौथे क्वाड्रेंट का है वो है स्टार परफॉर्मर। स्टार परफॉर्मर मतलब स्टार प्रचारक जैसा या स्टार परफॉर्मर जैसा, कि भाई वो एकदम सितारा चमकते रहता है। ये जो एम्प्लॉय है इसका कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता या समर्पण बहुत ज़्यादा रहता है। इसके पास में कौशल्य भी बहुत अच्छा रहता है, क्षमता भी अच्छी रहती है, और ये एम्प्लॉय करीब करीब 10-15% आपके कंपनी में रहेंगे। 100 एम्प्लॉय है आपके पास में तो 10 लोग ऐसे रहेंगे कि जो एकदम स्टार परफॉर्मर है, कमिटमेंट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। पहला जो हमने देखा कि वह है प्रॉब्लमेटिक, ये लोग 10% रहते हैं, 10 से 15% रहते हैं कि जिनके पास में कमिटमेंट भी नहीं, प्रतिबद्धता भी नहीं है और क्षमता भी नहीं है, निकालो। एकदम स्टार परफॉर्मर है क्वाड्रेंट 4 में है, और क्वाड्रेंट 4 का है स्टार परफॉर्मर, उसको क्या करना है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उसको रिवार्ड्स दो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको अथॉरिटी दो, उसको फ्री हैंड दो, उसको मास्टरी करने दो, तो वो और खुल के काम करेगा, वो है स्टार। तो पहला है 1 नंबर का प्रॉब्लम, दूसरा है स्टार। अभी 2 नंबर का जो है, 2 नंबर का क्वाड्रेंट, तो उसमें होता है टीम प्लेयर। अब ये टीम प्लेयर जो है तो वो टीम प्लेयर कमिटमेंट बहुत है इसका, प्रतिबद्ध है, समर्पण है, वचनबद्ध है काम करने के लिए, मगर इसके पास में कौशल्य नहीं है। अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए आप ट्रेनिंग डेवलपमेंट कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, क्योंकि ये मतलब समर्पित है, 2-4 साल से, 5 साल से, 10 साल से आपके यहाँ काम कर रहा है, उसका ट्रेनिंग नहीं है, काम करने की इच्छा है, पूरा देता है वो, उसका ट्रेनिंग करो, और जब आप ट्रेनिंग करेंगे उसका कौशल्य बढ़ाएंगे तो वो भी एक अच्छा स्टार परफॉर्मर हो सकता है और वो 4थे नंबर के क्वाड्रेंट में जा सकता है। अब तीसरा क्वाड्रेंट जो है तो है चैलेंजर। अब ये चैलेंजर एम्प्लॉय जो है वो कैसा है, उसका कौशल्य बहुत है, क्षमता उसके पास में बहुत है, मतलब होशियार है, कौशल्य, क्षमता है, एबिलिटी है, काम कर सकता है, मास्टरी है, मगर उसका कमिटमेंट एकदम कम है, वचनबद्ध नहीं है, वो राजीनामा लेके घूम रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ ऐसा बोलते रहता है, पिछले साल 2 साल से रहता है, यहाँ काम भी करता है, समर्पण नहीं है, टिकेगा कि नहीं मालूम नहीं। तो वो जो एम्प्लॉय है उसको बोलते हैं चैलेंजर। वो 3 नंबर के क्वाड्रेंट में रहता है। उसको एक तो टर्न अराउंड करो मतलब उसको समर्पित बनाओ, उसको कमिटेड बनाओ, और क्वाड्रेंट नंबर 4 में लेके जाओ, स्टार में लेके जाओ उसको, या फिर उसको टर्मिनेट करो, जान उसको रवाना करो, जान दो जल्दी उसको। तो ऐसे ये 4 क्वाड्रेंट के एम्प्लॉय है, 1, 2, 3, 4। 1 नंबर में है प्रॉब्लम, 2 नंबर में है टीम प्लेयर, 3 नंबर में है चैलेंजर, और 4 नंबर में है स्टार परफॉर्मर। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को स्टार परफॉर्मर तक लेके जाना। तो स्टार परफॉर्मर 10 से 15%, प्रॉब्लम 10 से 15%। अब ये 20 से 30% ये हो गए दोनों। अब बीच के जो है टीम प्लेयर और चैलेंजर, ये 17% है। अब इनको तुम लेके चलो स्टार में, कमिटमेंट है, कौशल्य ने सीखा और सीख के उसको लेके जाओ स्टार में, क्षमता है, एबिलिटी है,
कमिटमेंट है, उसका कमिटमेंट बढ़ाओ, उसका भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करो, उसको ले जाओ स्टार परफॉर्मर्स। इस तरह का अपन ये चार्ट देखते हैं तो इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी टीम इस तरह की डेवलप करती है और आपकी कंपनी के कर्मचारी कहाँ हैं, कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ में काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी बिजनेसमैन को शेयर करो। लोगों को ये प्रॉब्लम है कि ये कुछ कर्मचारियों को करना क्या है, तो उनको आप एक नंबर जो है जल्दी रवाना करो, तीन नंबर है टर्न अराउंड करो, नहीं होता है तो रवाना करो, दो नंबर और चार नंबर आप रख सकते हैं, उनको रखो। सो थैंक यू वेरी मच। हमारा ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्टर केयकर मनोविकास, वहाँ फ्री चैटिंग कर सकते हैं। इसके बारे में आपको कुछ भी सवाल होंगे, मानसिक बीमारी के बारे में, सेक्स सॉल्यूशंस है, एडिक्शंस है, हिप्नोटिज्म है, तो कोई सवाल होंगे तो आप मुझे नीचे नंबर दिए उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करो। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। और हमारा जो मिशन है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसके लिए आप हमारे पार्टनर बन सकते हो। थैंक यू वेरी मच।